सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार रमेश कौशिक ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों पर जनता वोट देगी, देश में समान विकास किया है। वहीं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, दूसरी पार्टियों के पास सोनीपत में कोई उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस और जेजेपी कोई उम्मीदवार नहीं उतार पा रही। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, किस तरीके से देखते हैं? आज हमने नामांकन दाखिल किया है और कैप्टन साहब ने सारा डिटेल में बता भी दिया है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे देश में एक ज़बरदस्त हवा है। दूसरी पार्टियों के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है और ना उनका कोई प्रोग्राम इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आज देश में और प्रदेश में भी हमारे सरकार ने ईमानदारी से प्रशासन चलाया और दिया है और लोगों को दिखा दिया है कि अगर स्वच्छ प्रशासन दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रदेश की। और हमने 4.5 साल में हमारी प्रदेश की सरकार ने चाहे नौकरियों में चाहे हर काम में स्वच्छता बरती है और अपने 5.5 साल जो हुए हैं उनमें हमने विकास का काम केंद्र सरकार में रहकर पूरी गति से बढ़ाया हो और मेरे लिए जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी थी उसको सक्रिय भूमिका के रूप में निभाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इस बार भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश भर में समान विकास किया है और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी ने देश के हर वर्ग के लिए कार्य किया। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस और जेजेपी पर बोलते हुए कहा कि सोनीपत से इन पार्टियों के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है, बीजेपी की फाइट किसी भी पार्टी से नहीं है, सभी पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर के लिए चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री जो है आज यहाँ पर है, धनखड़ भी आया नामांकन भरवाने और आप भी मौजूद हैं, क्या है? भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से हमारे वर्तमान में सांसद, आज वो 2019 के इस लोकसभा चुनाव के लिए अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार के नाते से नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपस्थित हुए और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में बतौर सांसद रमेश कौशिक जी ने काम किया, वही केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने देश के हित में मजबूत फैसले लेते हुए एक निर्णायक सरकार की छाप छोड़ने का काम किया। वही प्रदेश में 4.5 वर्ष से अधिक समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के संकल्प को साकार किया। हमें पूरा विश्वास है कि आज हरियाणा प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं बची। निश्चित तौर पर पहले से ज़्यादा मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से श्रीमान रमेश कौशिक जी फिर से जीतेंगे और दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सोनीपत की जनता अपनी भूमिका निभाने का काम करेगी। देखिए, आज परिस्थिति ये है कि नामांकन का दूसरा दिन शुरू हो गया है, दूसरे दलों को उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं, उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं, कोई टिकट मांगने वाला टिकट लेने वाला कोई आपको प्रयास करता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जनता की नज़रों में सब कुछ सामने है, जनता सब कुछ देख रही है, जनता देख रही है कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन है, आज विपक्ष नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है, नियत विहीन है और देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने विपक्ष कोई ऐसा चेहरा, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं खड़ा कर पाया है जो देश हित में काम करने वाला हो। तो ऐसे में जहाँ जनमानस एक तरफा नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा हो तो स्वाभाविक है जनमानस ही जनमत में परिवर्तन होगा और उस जनमानस का दबाव है कि विपक्ष के लोग आज चुनाव तक लड़ने के लिए वो तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं अपनी जो विरासती जो सियासत है उसके कारण से कहीं कोई भले खड़ा दिखाई दे, अन्यथा सोनीपत में तो आज कोई उम्मीदवार भी दूसरी पार्टी का वह टिकट चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मुकाबला
कम से कम मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी से, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे तीसरे चौथे के लिए आपस में विपक्ष के लोग वह संघर्ष जरूर करेंगे, वह अपनी जो राजनीतिक विरासत है कुछ लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है। कंचन टीवी के लिए सोनीपत से संजीव कौशिक।